भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है भारतीय टीम में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दूं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने इसका हिंट भी दिया था। हिंट ये दिया था कि आज रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी को उतार सकते हैं जो उनका भरोसेमंद खिलाड़ी है। रविचंद्रन अश्विन की बात कर रहा हूं। और क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि कल उन्होंने बोला कि पिच स्लो है और इसी पिच पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। और पिच स्लो है, ग्रास बिल्कुल नहीं है, घास बिल्कुल नजर नहीं आ रही उस पिच पर। यानी पिच स्लो है तो वहां पे आपको रविचंद्रन अश्विन की कमी खल सकती है। कमी क्या, एक तरीके से उनको खिलाया जा सकता है, जो छठे बॉलिंग विकल्प का आपको ऑप्शन भी देंगे और नीचे आकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन किन की जगह खेल सकते हैं, क्या मोहम्मद सिराज की जगह खेल सकते हैं या सूर्य कुमार यादव की जगह खेल सकते हैं? यही दो विकल्प आपके पास खाली हैं। और सूर्य कुमार यादव की जगह खेलते हुए मुझे लग रहा है कि शायद खेलते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि किन की जगह खेलते हुए नजर आएंगे, या आएंगे भी या नहीं आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।